ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कई लोग जो प्रेम भाव से भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि परमात्मा के करीब रहकर मन को असीम शांति और खुशी मिलती है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर हम भगवान को कैसे महसूस करें? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर उस परमात्मा को महसूस करने के और उसके करीब आने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या दिन रात भगवान का गुणगान करने से वो हमें महसूस होने लगते हैं? तो आज हम इसी विषय पर जरा बारीकी से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि धर्म ग्रंथों में भगवान को महसूस करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या विधि है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भगवान को महसूस कैसे करें। भगवान की दिव्य मौजूदगी का अनुभव करने के लिए जरूरी है कि अपने भगवान को समझना, क्योंकि भगवान की महिमा और हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता क्या है। जिसने यह बात समझ ली और जीवन में उतार ली, फिर सदा भगवान उसके निकट रहने लगे हैं। देखिए, भगवान कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है जिन्हें हम हवा पानी की तरह अपनी बॉडी के माध्यम से महसूस कर सके, क्योंकि भगवान पराभौतिक है, अदृश्य है। अतः उन्हें पाने और महसूस करने का एक ही तरीका है कि उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप भगवान राम की दिव्य मौजूदगी का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें राम जी के गुणों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। जब हमारे मन में प्रेम, त्याग, करुणा होगी, तभी हम जान पाएंगे कि प्रेम होने पर शरीर को कैसा महसूस होता है, कैसा अनुभव होता है। जब हमारे भीतर त्याग का गुण विकसित होगा, तो हम जान पाएंगे कि किसी जरूरी काम के लिए छोटी चीज को त्यागने पर भीतर कैसा सुख महसूस होता है। हम राम जी के महान जीवन से सीख लेंगे और जब हम भी एक ऊंचे जीवन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें भी वो आनंद, वो शांति मिलेगी जो हमारे अवतारों को मिलती है। तो संक्षिप्त में कहें तो भगवान की उपयोगिता हमारी जिंदगी में इसलिए बढ़ जाती है ताकि उनके महान जीवन से हम सीख लेकर अपने जीवन को और कर्मों को ऊंचाई तक ले जा सके। और जिस आनंद और सुख की तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं, वो आनंद हम प्राप्त कर सके। चलिए अब हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से भगवान को महसूस करने की विधि और बारीकी से समझते हैं। भगवान को महसूस करना है तो धर्म ग्रंथों को करीब से पढ़े और उनके करीब जाए। हम अक्सर भगवान के नाम पर 100 तरह तरह की बातें सुनते हैं और उन्हीं को सत्य मानते हैं। उन्हीं के अनुरूप हम अपने मन में भगवान की छवि को बैठा लेते हैं और फिर उन्हें ही पूजने लगते हैं। अगर हम आपसे कहें महाकवि तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि भगवान राम कौन है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपको मालूम नहीं होगा, पर राम जी के नाम पर 100 तरह की बातें आपको जरूर पता होंगी, जो दर्शाता है कि हम कभी धर्म ग्रंथों के करीब आते ही नहीं, हम सच जानने की कोशिश करते ही नहीं, तो भला हमें भगवान की दिव्य अनुभूति कैसे होगी। तो चाहे राम, कृष्ण या कोई भी अन्य अवतार हो, जिस भी भगवान का आशीर्वाद पाने की अभिलाषा आपके मन में है, सबसे पहले उन्हें जानिए। राम जी को समझना है तो रामायण योगा वशिष्ठ सार पढ़िए, और श्री कृष्ण को समझना है तो भागवत गीता पढ़िए। फिर आपको मालूम होगा कि जिन्हें हम भगवान या अवतार कहते हैं, वास्तव में वे कौन है और वे हमें क्या सीख दे गए हैं। सिर्फ भगवान को याद न करें, उनकी याद में कर्म भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुबह और शाम राम नाम का जप करने से
आपको भगवान की दिव्य अनुभूति हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग वही नौकरी, वही काम, वही जीवन जीते हैं जो सालों से जीते आ रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि ऐसे ही जीवन में यदि मैं राम को भी याद करूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि कर्म का अधिकार तो हम सभी के पास है, तो गलत कर्मों को करने की बजाय यदि हम जीवन में ऊंचे कर्म करें तो जान लीजिए भगवान का आशीर्वाद हमारे पास सदा मौजूद रहेगा। आप श्री राम को ही ले लीजिए, क्या हमें उन्हें इसलिए पूजना चाहिए कि वो राजा के बेटे थे या दिखने में सुंदर थे? नहीं ना, हम उन्हें याद करते हैं उनके महान कर्मों से। तो जीवन में जिसके सही कर्म होंगे, निश्चित ही भगवान की अनुभूति भी उसी को प्राप्त होगी। अब आगे जानते हैं कि कृष्ण को महसूस करना है तो उनके जैसे हो जाइए। स्वयं भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात जो इंसान सब चीजों से अधिक मूल्य सच्चाई को देता है, ऐसा इंसान फिर कृष्ण के निकट आ जाता है, और फिर उसे दुनियादारी और तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा उसके पास होता है। तो अगर जीवन में बहुत ही अशांत हो, डरे हुए हो और नहीं पता कि जीवन की नैया को पार कैसे लगाना है और भगवान की भक्ति को कैसे करूं, तो आपसे निवेदन है कि भागवत गीता पढ़िए। इस दिव्य ग्रंथ में मौजूद 18 अध्याय कृष्ण के प्रेम का गीत है। अतः वे लोग जो कहते हैं हमें कृष्ण से प्रेम है, तो उन्हें भागवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। और आपको समझना चाहिए कि भगवान कोई इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। हमें लगता है भगवान हमारी इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करने का एक माध्यम है। जी हाँ, बहुत से लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि भगवान उनकी कामनाओं को पूरा कर सके। पर जिसने भागवत गीता पढ़ी हो, वो समझ जाता है कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं ही होती है, तो फिर भी वो भगवान से रुपए पैसे, इज्जत इत्यादि कुछ नहीं मांगता। वो जब भी भगवान के आगे सर झुकाएगा तो अधिक से अधिक कह देता है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। इस तरह जो इंसान वास्तव में निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है और भगवान से प्रेम के कारण निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसे भगवान अवश्य महसूस होते हैं। इतिहास में भी इसके उदाहरण देखे गए हैं। संत कबीर, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, ये सभी ऐसे महान लोग थे जिन्हें वाक्य ही भगवान महसूस हुए थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रेम था उस परमात्मा से, इसलिए उन्हें पाने के लिए इन्होंने जीवन में कर्म भी ऐसे किए जो आम इंसान कभी नहीं कर पाता। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महान लोगों को आज तक पूजते हैं, उनके मन में सच्चाई के प्रति गहरा प्रेम था। अतः उन्होंने फैसला किया कि अब अपने खातिर नहीं जिएंगे, हम उस परमार्थ के लिए जिएंगे और काम करेंगे जिसके बिना हमें चैन नहीं मिलता। अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि भगवान आपके साथ है। वह इंसान जो अपने और अपनों के लिए न जिए, जिसके मन में संसार के सभी जीवों और प्रकृति के प्रति प्रेम और करुणा है, ऐसा मनुष्य अगर किसी उच्च कार्य को अपना जीवन लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य पर बिना यह परवाह किए कि मैं सफल होऊंगा या नहीं बढ़ता जाता है, ऐसे मनुष्य का भगवान सदा साथ देते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद भगवान को कैसे महसूस करें, इस प्रश्न का सीधा और सटीक जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों में इसे शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।